दोस्तों पिछले 2-3 दिनों से ये वाला फोटो आप सभी लोगों ने जरूर देखा होगा, क्योंकि ये फोटो बहुत ज्यादा वायरल हो चुका है, जिसमें देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हाथ में इस तरीके से एक बंदूक लेकर निशाना साध रहे हैं। कई लोग तो इस पर मीम बना रहे हैं, मतलब वो मजाक में लिख रहे हैं कि मोदी जी अपने विरोधियों पर निशाना लगा रहे हैं। कुछ लोग तो ऐसा भी बोल रहे हैं कि मोदी जी केजरीवाल के लिए निशाना लगा रहे हैं। इस तरीके से मजाक चल रहा है। मजाक एक अलग चीज़ है, आपको पता होना चाहिए ये फोटो किस जगह का है। ये फोटो है एक डिफेंस एक्सपो इंडिया 2020 ऑर्गेनाइज किया गया है, ये फोटो वहीं का है। तो यहाँ पर देखो, इसको लेकर क्वेश्चन क्या बनेगा वो समझते हैं। क्वेश्चन यहाँ पर ये बनेगा कि एक चीज़ मैं आपको पहले बता चुका था कि ये जो डिफेंस एक्सपो 2020 है, इसका 11वां संस्करण लखनऊ में आयोजित किया जाएगा। ये चीज़ तो मैं पहले से ही बता चुका था। नई चीज यहां पर क्या है, क्वेश्चन बनेगा कि डिफेंस एक्सपो 2020 के 11वें संस्करण का लखनऊ में उद्घाटन किसने किया है। तो उद्घाटन किसने किया है ये चीज आपको बतानी है। तो यहां पर इसका राइट आंसर हो जाएगा नरेंद्र मोदी, ऑप्शन सी सही हो जाएगा, नरेंद्र मोदी जी ने वहां पर इसका उद्घाटन किया है। अब दोस्तों यहां पर एक चीज से बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होना, आप ये मत समझना कि भारत के इस समय डिफेंस मिनिस्टर हैं राजनाथ सिंह। तो हो सकता है आपके मन में सवाल आ जाए कि हो सकता है राजनाथ सिंह ने इसका उद्घाटन किया हो, बिल्कुल नहीं है। आपको सिर्फ ये वाली फोटो याद रखनी है, इस वजह से ऐसी फोटो लगाता हूँ सो दैट आपको लंबे समय से याद रह जाए। आप ये वाला फोटो देखिए जिसमें मोदी जी बंदूक लेकर खड़े हुए हैं, इसी से आपको याद आ जाएगा कि ये जो डिफेंस एक्सपो था उसका उद्घाटन मोदी जी ने किया था, और कहाँ पर किया था, ये किया था उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में। ठीक है, तो 2 प्रश्न आपको यहाँ पर याद रखने हैं कि डिफेंस एक्सपो इस बार लखनऊ में आयोजित किया गया था, क्वेश्चन नंबर 1। इस बार डिफेंस एक्सपो 2020 के कौन से संस्करण को ऑर्गेनाइज किया गया था, तो क्वेश्चन नंबर 2। और इसका उद्घाटन किसने किया था, नरेंद्र मोदी ने, तो क्वेश्चन नंबर 3। 3 क्वेश्चन आपके 1 क्वेश्चन से तैयार हो गए। इसका यहाँ पर एक फोटो भी देख सकते हैं जिसमें कि देखो लिखा है डिफेंस एक्सपो इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के द्वारा इसको ऑर्गेनाइज किया जाता है। इस बार इसका 11वां संस्करण, और ये कब से कब तक ऑर्गेनाइज किया गया है, इसको 5 फरवरी से 8 फरवरी 2020 के बीच में आयोजित किया गया है। ठीक है, आगे चलते हैं। इसको कहाँ पर, लखनऊ में आयोजित किया गया है। ये इसका फोटो भी आप देख सकते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, जो इस एक्सपो में इस तरीके से पार्टिसिपेट किए थे। इसका एक और फोटो देख सकते हैं जिसमें डिफेंस के अलग अलग यहाँ पर आर्टिलरीज जो होती हैं, जो मिसाइल बंदूकें होती हैं, उन सभी को यहाँ पर प्रदर्शित किया गया है। दोस्तों कल मैंने आपको एक क्वेश्चन करवाया था जिसमें मैंने बताया था कि टिड्डियों की वजह से पाकिस्तान ने पूरे देश में राष्ट्रीय आपातकाल घोषित कर दिया है। यहाँ पर क्वेश्चन बनेगा कि टिड्डियों की वजह से पाकिस्तान के बाद किस देश ने अपने देश में राष्ट्रीय आपातकाल घोषित कर दिया है। तो पाकिस्तान के बाद में एक और देश है जिसका नाम है सोमालिया, उसने अपने देश में राष्ट्रीय आपातकाल घोषित कर दिया है। तो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा कि इसमें टिड्डियों की वजह से पाकिस्तान के बाद में सोमालिया ने राष्ट्रीय आपातकाल घोषित कर दिया है। तो ऑप्शन 2 यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। जैसा कि आप यहाँ पर फोटो देख सकते हैं, टिड्डी क्या करते हैं, ये लोग सिर्फ यहाँ पर आपको सिर्फ एक टिड्डा दिख रहा होगा, लेकिन ये लोग पूरे झुंड में चलते हैं। इतने सारे टिड्डे होते हैं कि ये किसी भी खेत में अगर घुस जाएं तो उस फसल को पूरी तरीके से बर्बाद कर देते हैं, जिस वजह से पाकिस्तान और सोमालिया दोनों देशों ने अपने देश में राष्ट्रीय आपातकाल घोषित कर दिया है इन टिड्डियों के चलते। अब अगर थोड़ा ध्यान से देखो तो यहाँ पर एक शब्द का यूज हुआ है कि सोमालिया हॉर्न ऑफ अफ्रीका का पहला देश बना है जिस देश में टिड्डियों के कारण राष्ट्रीय आपातकाल घोषित कर दिया गया है। अच्छा, यहाँ पर अफ्रीका शब्द यूज किया होता तो थोड़ा सही था, लेकिन यहाँ पर हॉर्न ऑफ अफ्रीका शब्द यूज किया है, इसका मतलब क्या है? देखो इसका मतलब है कि अफ्रीका का एक रीजन देखेंगे, ये जो आप दिख रहे हैं, ये जो आपको ग्रीन कलर से एरिया दिख रहा है, इसको ही हॉर्न ऑफ अफ्रीका के नाम से जानते हैं। बहुत पहले मैंने इसका एक क्वेश्चन देखा था SSC में, उसके बाद से मुझे इसका क्वेश्चन नहीं दिखा है, बड़े दिनों बाद में ये टर्म यूज हुआ है हॉर्न ऑफ अफ्रीका। तो ये जो ग्रीन कलर से एरिया दिख रहा है इसको हॉर्न ऑफ अफ्रीका के नाम से जानते हैं। अगर इस वाले पूरे एरिया को हम लोग जूम करके देखें, तो इसको हम जूम कर देते हैं, तो जूम करने पर कुछ इस तरीके का मैप आपको दिखेगा। उसी हॉर्न ऑफ अफ्रीका में एक देश है सोमालिया, ठीक है, इसी देश में टिड्डियों की वजह से इस देश में राष्ट्रीय आपातकाल घोषित कर दिया गया है।
दोस्तों जितने शानदार तरीके से ये वाला पीडीएफ बनाया गया है, उसी तरीके से जनवरी 2020 का पूरा पीडीएफ तैयार किया गया है। यहाँ पर आप बच्चों का रिस्पांस देख सकते हैं, सभी स्टूडेंट बोलते हैं कि 95% से ज़्यादा क्वेश्चन हमारे पीडीएफ से ही पूछे जाते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको जनवरी महीने का पूरा जो पीडीएफ है उसका लिंक मिल जाएगा, क्लिक करके आप उसे परचेज कर सकते हैं। अगला प्रश्न बनेगा कि हाल ही में किस संस्था ने आरबीआई के गवर्नर जिनका नाम है शक्तिकांत दास को सेंट्रल बैंक ऑफ द ईयर 2020 एशिया पैसिफिक से घोषित कर दिया है। मतलब एक तरीके से ये उपाधि है, अवार्ड मान सकते हो, जिसको हाल ही में आरबीआई के गवर्नर को मिला है, और ये किस संस्था ने इनको दिया है, उसका नाम हो जाएगा द बैंकर लंदन। एक लंदन की एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है द बैंकर, जो कि फाइनेंस वित्तीय कंपनियों के बारे में एनालिसिस करती है। उसने ही आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास को सेंट्रल बैंकर ऑफ द ईयर 2020 से सम्मानित किया है। तो यहाँ पर आप इस फोटो में भी देख सकते हैं, इस तरफ आपको शक्तिकांत दास जी का फोटो दिख रहा होगा, इस तरफ आपको दिख रहा होगा कि इनको इस तरीके से अवार्ड दिया गया है, और यहाँ पर लिखा है शक्तिकांत दास को सेंट्रल बैंकर ऑफ द ईयर 2020 एशिया पैसिफिक के रूप में सम्मानित किया गया है। इसके अलावा जिस कंपनी ने, जिस ऑर्गेनाइजेशन ने इनको इस उपाधि से सम्मानित किया है, उसका नाम आप देख सकते हैं, उसका नाम है द बैंकर, जो कि लंदन में स्थित है, और ये एक अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय मामलों की प्रकाशक कंपनी है। ठीक है, उन्होंने ही इसको ऐसा अनाउंस किया है। ठीक है, अगला प्रश्न है, हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस स्थान पर देश का नया बंदरगाह बनाने को मंजूरी प्रदान कर दी है। तो यहाँ पर देखो, देश का जो बंदरगाह बनाने की मंजूरी प्रदान करी है वो करी है महाराष्ट्र के बघावन में। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, महाराष्ट्र के बघावन में हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने एक बंदरगाह बनाने की मंजूरी प्रदान कर दी है। तो ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। जैसा कि आप देख सकते हैं, चूंकि यहाँ पर बंदरगाह को लेकर बात हुई है, तो भारत के जो बंदरगाह हैं उनकी सूची मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ। जैसे कि सबसे पहला जो बंदरगाह है जिसका नाम है नेहावा सेवा, ये जिसको जवाहरलाल नेहरू पोर्ट के नाम से भी जानते हैं, ये नवी मुंबई में स्थित है। इसी तरीके से और भी पूछे जा सकते हैं, जैसे कि पारादीप पोर्ट कहाँ पर स्थित है, तो जगत सिंहपुर उड़ीसा में स्थित है। हल्दिया पोर्ट कहाँ पर स्थित है, ये पश्चिम बंगाल में स्थित है। पोर्ट ब्लेयर कहाँ पर स्थित है, ये अंडमान निकोबार में स्थित है। इस तरीके से ये जो आपको बंदरगाह दिख रहे हैं ये एग्जाम में पूछे जाते हैं। देखो, आप सभी लोग फोन का इस्तेमाल करते होंगे, आप सभी के लिए एक बड़ी खुशखबरी है। देखो यहाँ पर क्या है कि काउंटर पॉइंट टेक्नोलॉजी मार्केट रिसर्च की एक रिपोर्ट के अनुसार कौन सा देश दुनिया में दूसरा सबसे बड़ा स्मार्टफोन बाजार बन गया है। तो दुनिया में दूसरा सबसे बड़ा जो स्मार्टफोन बाजार बना है वो बन गया है अपना देश भारत। तो स्मार्टफोन यूज करने के मामले में दुनिया में हम दूसरे नंबर पर पहुंच गए हैं। आप समझ सकते हैं इंडिया में कितना ज्यादा लोग स्मार्टफोन का यूज करते हैं। इवन आपने एक समय था जब स्मार्टफोन कुछ लोगों के पास में हुआ करता था, आज की डेट में एक रिक्शा चलाने वाले से लेकर एक छोटे से छोटे प्रोफेशन को करने वाला व्यक्ति भी मोबाइल रखता है भारत में। ठीक है, तो आप देख सकते हैं इस तरीके से भारत जो है वो दूसरे नंबर पर पहुंच गया है। तो दोस्तों यहाँ पर बहुत सारे फ़ोन आपको दिख रहे होंगे, मैं जो जिस फ़ोन का इस्तेमाल करता हूँ वो है रेडमी कंपनी का। एमआई कंपनी का फ़ोन मैं जब से यूज़ कर रहा हूँ, मेरा एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा रहा है। आप सभी लोग भी कमेंट करके बताना कि आप किस कंपनी का फ़ोन यूज़ कर रहे हो और वो आपको कैसा लगता है। इससे एक आइडिया मिलेगा कि कौन सा फ़ोन ज़्यादा बेटर होता है लेने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर देखो इसमें और क्या बनेगा कि अगर यहाँ पर हम लोग मोबाइल मार्केट में टॉप 3 कंट्रीज की बात करी जाए, तो नंबर 1 पर आता है चाइना। ठीक है, तो मोबाइल मार्केट में नंबर 1 पर आ जाता है चाइना, नंबर 2 पर आ जाता है इंडिया, और नंबर 3 पर आता है अमेरिका। तो इस तरीके से इसकी रैंक है जो कि आपको समझ दी है। और दोस्तों ये पहली बार ऐसा हुआ है कि भारत जो है वो अमेरिका से आगे निकल गया है। इस तरीके से सब कुछ हुआ है। इसके बाद में एक चीज़ और समझेंगे कि भारतीय स्मार्टफोन शिपमेंट बाजार में हिस्सेदारी कितनी हो गई है। तो अगर देखे जाए तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा अगर फ़ोन है वो ज़ियाओमी रेडमी के हैं, सबसे ज़्यादा फ़ोन है। नंबर 2 पर चल रहा है इंडिया में सैमसंग, और नंबर 3 पर चल रहा है वीवो। ठीक है, तो यहाँ पर देखो मैं भी रेडमी का ही फ़ोन यूज़ कर रहा हूँ, और वो कंपनी सबसे अच्छा रिस्पॉन्स भी दे रही है, और कई साल से मैं जितने लोगों को जानता हूँ सभी लोग रेडमी का फ़ोन यूज़ कर रहे हैं।
तो यहाँ पर देख सकते हो रेडमी के फ़ोन सबसे ज़्यादा है इंडिया में, दूसरे नंबर पर है सैमसंग और तीसरे नंबर पर है वीवो। ठीक है, इस तरीके से इसका डिस्ट्रीब्यूशन आपको दिख जाएगा। अगला प्रश्न है कि हाल ही में भारत के किस राज्य में 3 दिवसीय नर्मदा महोत्सव मनाया गया है? तो नर्मदा नदी से ही आपको समझ गया होगा कि नर्मदा नदी का जो उद्गम है ये मध्य प्रदेश में है, इस वजह से ये जो त्यौहार है इसको मध्य प्रदेश में ही ऑर्गेनाइज किया जाता है। तो ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा कि ये जो 3 दिवसीय महोत्सव है इसको मध्य प्रदेश में ऑर्गेनाइज किया जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं इस त्यौहार का पूरा नाम क्या है, अमरकंटक नर्मदा महोत्सव, जिसको मध्य प्रदेश में ऑर्गेनाइज किया जाता है। इसके बाद में दोस्तों अगला प्रश्न बनता है कि कर्नाटक ने सरकारी सेवाओं को होम डिलीवरी के लिए किस नाम से एक योजना का शुभारंभ किया है? तो कर्नाटक राज्य ने अपनी सेवाओं की होम डिलीवरी के लिए एक योजना का शुभारंभ किया है जिसका नाम है जन सेवा। जितनी भी कर्नाटक सरकार की सेवाएं हैं, जैसे कि पेंशन हो गई या और भी कोई महिलाओं या बच्चों को लेकर कोई स्कीम है, उसकी होम डिलीवरी कराने के लिए या फिर बुजुर्गों को दी जाने वाली ऐसी सेवाएं जिसके लिए बुजुर्ग खुद नहीं आ सकते हैं, जन सेवा नाम से एक योजना को शुरू किया गया है। एक प्रश्न यहाँ पर ऐसे भी घुमाकर पूछा जा सकता है कि भारत के किस राज्य में जन सेवा नाम से एक योजना शुरू करी गई है? तो इसका आंसर हो जाएगा कर्नाटका में जन सेवा नाम से एक योजना की शुरुआत करी गई है। जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पर लिखा है कौन, जैसे कि राशन कार्ड, वरिष्ठ नागरिकों की पहचान और स्वास्थ्य जैसे कार्ड की जो सेवाएं हैं इसकी होम डिलीवरी की जाएगी। इस होम डिलीवरी सेवा के लिए 115 रुपये का शुल्क लिया जाएगा, बाकी काम घर पर ही आपको मिल जाएगा। अगला प्रश्न है कि हाल ही में भारत के किस शहर को यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर शहर का सर्टिफिकेट दिया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जयपुर को यूनेस्को की तरफ से विश्व धरोहर शहर का सर्टिफिकेट प्रदान कर दिया गया है। तो ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। जयपुर को पिंक सिटी के नाम से भी जानते हैं, यहाँ पर आप इसका फोटो भी देख सकते हैं कि जयपुर को ये सर्टिफिकेट प्रोवाइड किया गया है। किसके द्वारा? यूनेस्को के द्वारा ये सर्टिफिकेट दिया गया है, जिसमें लिखा है राजस्थान को यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर शहर में शामिल कर लिया गया है। इसके अलावा आपको बता दूं कि जयपुर शहर की स्थापना जो है ये साल 1927 में राजा जयसिंह के द्वारा करी गई थी। ठीक है, एक बार अच्छे से समझेंगे, जयपुर शहर की स्थापना 1727 में राजा जयसिंह के द्वारा की गई थी। इसके अलावा यूनेस्को ने 5 फरवरी 2020 को गुलाबी नगर यानी कि जयपुर को विश्व धरोहर वर्ल्ड हेरिटेज सिटी में का जो सर्टिफिकेट है वो प्रदान कर दिया है। इसके अलावा अगर आपसे पूछे कि यूनेस्को के महानिदेशक का क्या नाम है, तो आंद्रे अजोलो उसके महानिदेशक का नाम है। दोस्तों वीडियो बनाने में बड़ी मेहनत लगती है, इस वजह से आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को ईमानदारी से शेयर जरूर करना। आई रिक्वेस्ट यू, वीडियो को शेयर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, मोटिवेशन मिलता है, हमें पता चलता है कि आप मेरे वीडियो को लाइक कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। इसके अलावा देखो अगला प्रश्न है, इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स में भारत कौन से स्थान पर आया है? तो हाल ही में लॉन्च किए गए इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स में भारत जो है ये 40वें स्थान पर आया है। तो 40th पोजीशन इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। जैसा कि आप देख सकते हो यह जो रिपोर्ट है ये किसके द्वारा जारी की जाती है? इस रिपोर्ट को जारी किया जाता है यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स के ग्लोबल इनोवेशन पॉलिसी सेंटर के द्वारा इस रिपोर्ट को जारी किया जाता है। तो एक बार इसमें रैंक देख लेंगे भारत की, उसके बाद में आगे चलेंगे। अगर आपसे कोई पूछे इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स में भारत कौन से स्थान पर आया है, तो इस इंडेक्स में भारत जो है वो 40वें यानी कि 40th पोजीशन पर आया है। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न बनता है कि इंडोनेशिया ने किस नाम से देश की पहली हिंदू यूनिवर्सिटी बना दी है? तो देश की पहली जो हिंदू यूनिवर्सिटी बनी है ये बनाई है हिंदुस्तान सुग्रीव यूनिवर्सिटी। यहाँ पर आप लोग ये चीज़ जानकर शॉक्ड हो जाएंगे कि दुनिया के सबसे ज़्यादा मुस्लिम आबादी वाला एक देश है जिसका नाम है इंडोनेशिया, और उस देश ने अपने देश की पहली हिंदू यूनिवर्सिटी बना दी है। एक इंस्टीट्यूट था जिसका नाम था पहले से कुछ, उसका कुछ और नाम था, वो मैं अभी आपको बताऊंगा, उसको चेंज करके, इंस्टीट्यूट का नाम चेंज करके उसको सुग्रीव यूनिवर्सिटी बना दिया है। यहाँ पर सुग्रीव क्या है?
रामायण आप सभी लोगों ने पढ़ी होगी, तो रामायण में एक कैरेक्टर है सुग्रीव नाम से, इस वजह से उसी सुग्रीव नाम से एक इस यूनिवर्सिटी को बना दिया गया है। तो ऑप्शन सी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा, जैसा कि आप इंडोनेशिया के जो प्रधानमंत्री हैं उनके द्वारा इसकी अनाउंसमेंट करी गई है। और ये जो यूनिवर्सिटी है, पहले एक ये इंस्टीट्यूट था जिसका नाम था हिंदू धर्म स्टेट इंस्टीट्यूट, इसी को चेंज करके इंडोनेशिया ने इसको ऐसा कर दिया है। इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट का नाम है जोको विडोडो, और इंडोनेशिया पूरे वर्ल्ड के मैप में कहाँ पर स्थित है इसको भी आप लोग देख लेंगे। ये रहा अपना भारत, और भारत से नीचे की तरफ आपको लाल कलर से ये जो देश दिख रहा है ये है इंडोनेशिया, जिसके बारे में यहाँ पर डिस्कशन हो रहा है। दोस्तों अब जल्दी से फटाफट से आज हमने जो भी पढ़ा है सभी का फटाफट से रिविजन कर लेते हैं। जैसे कि सबसे पहला क्वेश्चन था, डिफेंस एक्सपो 2020 के 11वें संस्करण का लखनऊ में उद्घाटन किसने किया है, तो नरेंद्र मोदी जी ने किया है। उसके बाद में था कि टिड्डियों की वजह से पाकिस्तान के बाद किस देश ने राष्ट्रीय आपातकाल घोषित कर दिया है, तो सोमालिया इसका राइट आंसर हो गया था। उसके बाद में था कि आरबीआई के गवर्नर जो हैं उनको सेंट्रल बैंकर ऑफ द ईयर अवार्ड से किसने सम्मानित किया है, तो आंसर हो जाएगा द बैंकर लंदन की तरफ से किया गया है। उसके बाद में प्रश्न था कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस स्थान पर देश का नया बंदरगाह बनाने को मंजूरी प्रदान कर दी है, तो बघावन महाराष्ट्र इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में क्वेश्चन है कि काउंटर पॉइंट टेक्नोलॉजी मार्केट रिसर्च की एक रिपोर्ट के अनुसार कौन सा देश दुनिया में दूसरा सबसे बड़ा स्मार्टफोन बाजार बन गया है, तो भारत इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में क्वेश्चन बनेगा कि हाल ही में भारत के किस राज्य में 3 दिवसीय नर्मदा महोत्सव मनाया गया है, तो मध्य प्रदेश इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में प्रश्न था कि कर्नाटक ने सरकारी सेवाओं को होम डिलीवरी के लिए किस नाम से एक योजना का शुभ आरंभ किया है, तो जन सेवा नाम से एक सुविधा का यहाँ पर शुभ आरंभ कर दिया है। उसके बाद में प्रश्न था कि हाल ही में भारत के किस शहर को यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर में का सर्टिफिकेट दिया गया है, तो जयपुर इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में क्वेश्चन है कि इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है, तो 40वां स्थान इसमें भारत को प्राप्त हुआ है, ये इसका राइट आंसर हो गया था। इसके बाद में था कि इंडोनेशिया ने किस नाम से देश की पहली हिंदू यूनिवर्सिटी बनाई है, तो सुग्रीव यूनिवर्सिटी इसका राइट आंसर हो गया था। दोस्तों आज का क्वेश्चन जिसका आंसर आपको देना है कि हाल ही में मध्य प्रदेश के किशोर कुमार सम्मान 2018 से किसे सम्मानित किया जाएगा,